गाइस बर्गर किंग ने एक 50 रुपीस टनर मेन्यू रिलीज किया है। आई नो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तुषार भाई सीन क्या है। ऑनेस्टली यार मुझे नहीं पता, बट व्हाट आई डू नो इज अभी मैं जा रहा हूँ यार बर्गर किंग और मैं वहां से सारा टनर मेन्यू ऑर्डर करने वाला हूँ। एंड आई एम गोना टेल यू कि भाई कुछ नया है भी या फिर ये कुछ अपना पुराना चिपकाए जा रहे हैं हमें डिस्काउंटेड प्राइस में। सो चले फिर। फिफ्टी रुपीज़ टर्नर मेन्यू में जो जो चीज़ें हैं सारी एक ऑर्डर करनी है मुझे। गाइज टर्नर मेन्यू का सीन ये है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी 50 रुपीज़ की हैं और इन्होंने यार इस मेन्यू के अंदर दो तीन नई नई चीज़ें भी लॉन्च की हैं, तो उसके लिए तो यार आई एम वेरी एक्साइटेड। बट देर इज़ अ कैच, नॉन वेज के लिए जो प्राइस रेंज है ना वो 70 हो जाती है और नॉन वेजिटेरियन में इन्होंने सिर्फ दो या शायद तीन नई चीज़ें लॉन्च की हैं। एक बार मैं आपको पूरा स्टनर मेन्यू का दिखा देता हूँ, फिर भाई आराम से महफिल जमाएंगे। वेज क्रंची वॉलकैनो, पेरी पेरी राइस, वेजिटेरियन टिक्की ट्विस्ट, वेज मखनी बर्स्ट, क्रिस्पी वेज रैप। अब इनका नॉन वेज स्टनर मेन्यू चेकआउट करो। द क्रंची चिकन वॉलकैनो, चिकन मखनी बर्स्ट, क्रिस्पी चिकन बर्गर। यार ये तो इनके मेन्यू में पहले भी था, अब यार ये वही पुरानी वाली चीजें चिपका रहे हैं। बट एनीवे वेजिटेरियन आइटम में कुछ नई नई आई हैं, वो भाई पहले मैं टेस्ट करने वाला हूँ, उसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आ जाओ शुरू करते हैं। हाँ भाई, तो सबसे पहले हम गोना ट्राई दिस वेज वॉलकैनो। मतलब इसको सीधा सीधा यार टाको ही कह देते, मतलब क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। चेक दिस आउट यार, इसके अंदर अनियंस हैं, लेट टस है, चिली मेयो मुझे नजर आ रही है। वेल वो भाई ये बर्गर किंग वाले के आप टाको बिजनेस में भी घुसना चाहते हैं क्या? मुझे तो लग रहा है भाई दिस इज द स्टार्ट ऑफ बर्गर किंग के टाकोज। भाई बहुत स्मूथ टाको है, वो क्रंच तो आपने सुन ही लिया होगा। और यार इसका जो फ्लेवर है मैं बता दूं कैसा है। आई मीन इट्स लाइक चिली चीजी फ्लेवर, एकदम कुछ वैसा फ्लेवर आ रहा है। और भाई क्रंची है, 50 रुपये में ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है, सही चीज़ निकाल दी यार इन्होंने। भैया इनका न्यूली रिलीज पेरी पेरी राइस बाउल दिखाता हूँ आपको। खैर इसके ऊपर यार इन्होंने इसको इस चीज़ से टॉप किया हुआ है और ये मैं बता रहा हूँ, दीज आर फ्राइड पोटेटोज। ओह या दीज आर फ्राइड पोटेटोज। और यार इसके अंदर मुझे थोड़ी सी वेजीज नजर आ रही है। नो वेजीज तो नहीं है इसके अंदर, बट स्वीट कॉर्न जरूर है। वेरी गुड यार, राइस के साथ फ्राइड पोटेटोज बहुत सही लग रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पाइसी है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से बैलेंस आउट किया हुआ है। और बैलेंस आउट करने के लिए ही नहीं, बैलेंस आउट करने के लिए नहीं, एक नया फ्लेवर देने के लिए इन्होंने इसके अंदर स्वीट कॉर्न डाले हुए हैं। I like it. 50 रुपये में यार ये चीज बढ़िया है, सच में बढ़िया, worth your money. Okay, this is the new vegetarian makhani burger. और भाई साहब ये रैपर खोलते ही ना तंदूरी सॉस की क्या स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है। और इसके अंदर यार पैटी है, दो तीन अनियन रिंग्स हैं और बहुत सारी ये तंदूरी सॉस है या फिर मखनी सॉस है, I don't know. Well, I'm excited and बताता हूँ फ्लेवर, बताता हूँ एक बाइट और लेने। तो गाइस शशके पूरे इसके अंदर तंदूरी सॉस वाले ही है, बट शायद इसके अंदर इन्होंने थोड़ा सा स्वीटनर मिला है जिसकी वजह से वो मखनी वाला थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर आ रहा है। एंड ऐसा जो फ्लेवर है ना मैंने शायद किसी बर्गर सिंह के बर्गर में ट्राई किया था, एंड आई एम हैप्पी कि भाई अब बर्गर किंग में भी ऐसा फ्लेवर मुझे मिल रहा है। आई लाइक इट मैन। गाइस दिस इज द वेज टिक्की ट्विस्ट। इसके अंदर ट्विस्ट बताता हूँ, इसके नीचे ना इन्होंने यार वो फ्राइड पोटेटोज डाले हुए हैं एंड ऊपर इन्होंने टमेटो, बड़े दिनों बाद बर्गर में देख रहा हूँ मैं, मतलब बजट बर्गर में। और इसके अंदर यार ये जो मेयो इन्होंने लगाई हुई है दैट इज द सेम वो टाको वाली मेयो। सही है यार, ऐसा कुछ इनोवेट करते रहा करो तो मजा आता है। गाइज इसको टिक्की ट्विस्ट इन्होंने पता है क्यों कहा है, क्योंकि जब आप इसको बाइट करते हो तो वो जो एक एक्स्ट्रा लेयर आ रही है ना इन फ्राइड पोटेटोज की, जो छोटे छोटे इन्होंने डाले हुए हैं,
वो अलग ही किक मार रही है भाई, वो अलग ही ट्विस्ट देके जा रही है। दैट्स व्हाई भाई इसका नेम इन्होंने टिक्की ट्विस्ट बर्गर रखा है। एंड भाई वाह, इनोवेशन, क्या बात है, मैकडॉनल्ड्स सीखें कुछ आप इनसे। बाकी यार जो फ्लेवर है वो नॉर्मल क्रिस्पी वेज बर्गर जो है उसके जैसा है, बट थोड़ा सा अलग फ्लेवर इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने मेयो दूसरी यूज किए हुए इसके अंदर। गाइस दिस इज द क्रिस्पी वेज रैप, और ये क्रिस्पी वेज रैप पहले भी मिलता था बर्गर किंग में, बस इसका प्राइस इन्होंने घटा दिया, ये फर्क है। और यार आप वैसे चेकआउट कर लो, इसके अंदर इन्होंने बेल पेपर्स भी डाले हैं, इसके अंदर पैटी है और इसके अंदर मेयो है। और मुझे यार ये पहले इसलिए पसंद नहीं आया था क्योंकि जो इसकी रैप लेयर थी वो यार बहुत ज़्यादा चुई थी। अभी भी यार मुझे यही लग रहा है कि बाइट लेते ही इलास्टिक वाला सीन होगा इसका। Honestly, I'll prefer tacos, मतलब volcano, जो भी उसका नाम रखा है इन्होंने। भाई आप करते हैं नॉन वेजिटेरियन चीजों की बात। पहली चीज जो इन्होंने नहीं निकाली है दैट इज द चिकन टाको। इसको वो चिकन टाको नहीं, इसको कुछ चिकन volcano बोलते हैं, क्रिस्पी volcano। इसके अंदर बस फर्क मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने जो पैटी यूज की हुई है दैट इज नॉन वेज पैटी, वो क्रिस्पी चिकन बर्गर आता है ना वो वाली पैटी यूज की हुई है। एंड 70 रुपीज फॉर अ टाको इज ठीक है, बट टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ओए, टेस्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है यार। क्रिस्पी टाको के अंदर इन्होंने क्रिस्पी पैटी डाली हुई है भाई साहब, लाजवाब। नाउ इट्स टाइम फॉर द मखनी बर्गर। ओके, मखनी बर्गर का सीन ये है कि इन्होंने इसके अंदर तंदूरी सॉस भर के डाली हुई है, और भाई वेज मखनी बर्गर वाला हिसाब किताब है। बस इसके अंदर पैटी इन्होंने चिकन वाली लगा दी है। अब भाई खुल गया बर्गर तो टेस्ट तो कर ही लेता हूँ ना। ऑनेस्टली गाइज आई लाइक द गुड देसी फ्लेवर जो इसके अंदर आ रहा है। मुझे पर्सनली ये बर्गर अच्छा लगा, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा लगा 70 रुपये में, ये बहुत अच्छी डील है, गुड बार्गेन। गाइज दिस इज द वेज रैप। मुझे ये समझ नहीं आ रहा नॉन वेज रैप के साथ इतना ज़्यादा वो क्यों है भाई, डिस्क्रिमिनेशन। मतलब वेज रैप आपने ऐसे सर्व किया, नॉन वेज रैप को आपने ऐसे ही लग रहा है टिश्यू पेपर में बेमन से आपने रैप करके दे दिया। दिस इज द नॉन वेज रैप एंड सेम सीन भाई, सेम सीन, बस पैटी नॉन वेज है, बाकी सारा सीन सेम है। गाइज ऑनेस्टली इनके रैप से पता है ऐसी वाई बात है, जिस दिन मम्मी का खाना बनाने का मन नहीं होता ना और वो कल के परांठे बचे हुए होते हैं तो मम्मी क्या करती हैं, उसके अंदर वो फ्रोजन टिकियाँ निकाल के डाल देती हैं, सॉस लगाती हैं, वेजीज जो कटी होती हैं वो डाल के ऐसी दे देती हैं। वैसे जो मम्मी बनाती हैं वो भी बेटर ही होता है यार इससे। यार ये स्टनर मेन्यू का जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल मुझे पर्सनली अच्छा लगा। इन्होंने एक तो रेट भी कम कर दिए हैं, मैं तो यही देखता हूँ पहले प्राइजेस, और ऊपर से यार इन्होंने नई दो तीन इनोवेटिव चीज़ें भी डाली हैं विच इज़ अ कूल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। और यार फ्लेवर वाइज भी मुझे तो अच्छे लगे एटलीस्ट, मतलब उनके पहली पहली राइस, उनका मखानी बर्गर भी अच्छा है, और भाई टाकोज़ तो टेस्ट कर लेना, मेरी रिकमेंडेशन पे वो टेस्ट कर लेना, मतलब जो वोल्केनो है, बाकी सब छोड़ना हो छोड़ दो, टाकोज़ कर लो। एंड यू कैन थैंक मी लेटर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मतलब पहले सब्सक्राइब कर देना और हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। एंड आई एम गोना सी यू सून, टेक केयर एंड हैप्पी ईटिंग।